वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा न्यू व्लॉग हमारे पहले घर में। तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने इस वजह से शिफ्टिंग का व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज्यादा सामान था। तो मैं सामान पकड़ती या व्लॉग बनाती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने शिफ्टिंग का व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी आज हमारा नए घर में पहली सुबह है और बाबा भाई बना रहे हैं हम ब्रेड विद पराठे। तो अभी हम बाहर चलते हैं और देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला हम टूर भी देंगे अपने फुल होम का। तो चलो अब आपको बाहर का दिखाते हैं। तो अभी फिलहाल तो कोई नहीं, ताजी कोई नहीं इतनी खबर में। तो अभी चलो भाई बाहर बाबा लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं हम भी। तो फिर आप लोगों को हम अपने कमरे वगैरह दिखाएंगे। तो ये बाबा लोगों के कमरे की लाइटें बंद कर दी हैं आज, जो मैंने अपना ये करवाया था। और ये हमारा टीवी लॉन्च, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब मतलब इतना घर ठीक नहीं हुआ हुआ, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। तो ये हमारे किचन में तो क्या बन रहा है आज, तो यहाँ पे अभी बन रहे हैं ऑमलेट विद पराठे। अच्छा जी, तो वहाँ पे मम्मा बना रही है पराठे और यहाँ बना रहे हैं बाबा ऑमलेट। तो आज सुबह का नाश्ता हमारा पहले घर में, कैसा लग रहा है आपको बाबा? अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, और अब मैं आपको मतलब फुल किचन दिखाती हूँ। ये हमारा किचन है फुल, अभी या तो मतलब कंप्लीट नहीं ना हुआ, जब पूरा कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। तो ये हमारा न्यू चूल्हा हमने ले लिया भी है, ये इस घर के लिए नया है। और ये मम्मा भी बातें कर रही हैं। और मम्मा जी आज क्या बना रहे हो? जब मैंने पूछा तो कह रहे, मैंने मम्मा से पूछा कि क्या बना रही, तो वैसे मुझे पता था, लेकिन फिर मैंने बाबा को बोला था कि बाबा ऐसे मुझे गौर से देख रहे थे। तो अभी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता हमारा पहला पहला सुबह का, बड़ा अच्छा लग रहा है काफी। आज नींद वैसे पूरी कोई नहीं हुई क्योंकि पहला ही घर में सुबह थी ना, पहली पहली सुबह से पूरी नींद नहीं हुई थी। तो ये टमाटर मिर्च और प्याज हैं, ये कट कट किए हुए इन सारों ने। तो ये अब्दुल्ला भाई देखो क्या कर रहा है, ये कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, इसकी कोई है ही नहीं। तो ये हमारा फुल ऊपर से भी घर पेंट वगैरह भी हो चुका है, हमने आधी से ज्यादा चीजें लगा दी हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला आपको टूर दिया जाएगा। और ये हमारा प्यारा सा किचन है। और अभी हम लोगों ने इधर मैट मतलब फुल घर में ना मैट वगैरह भी बिछाने हैं, मतलब मैट वगैरह बिछाने सारे। तो जब हो जाएगा सारा तो इंशाल्लाह ताला आपको टूर देंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। तो ये हमारा रूम, मेरा और मेरी सिस्टर का रूम है, जो अभी मैं लाइट्स ऑन करती हूँ अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी बिखरा हुआ है पूरा क्योंकि जुम्मे का दिन है ना, आना वगैरह है, तो सारा बिखरा पड़ा है। अभी आधे से ज्यादा चीजें नहीं लगी। तो ये है बाहर गाड़ी, ऊपर एसी लगा हुआ है। आप लोग बताएं गली हमारी कैसी लग रही है माशाल्लाह। वो भी वो तो पूरी समेट दी हमने, सारा कुछ साफ हो गया, लेकिन बस थोड़ी बहुत सफाई करना आज मम्मा कर देंगी सफाई। तो सफाई हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी इंशाल्लाह से। तो ये गैलरी के बाहर बड़ी धूप है, सही तरह दिख नहीं रहा होगा, सॉरी इस वजह से। ये बाथरूम है और ये सारा बेड है और ये सारा अलमारी भी दी हुई है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है मेरा रूम। और अब हम बाहर चलते हैं अपने रूम के, दरवाजा बंद करके आराम से बंद कर देते हैं। चलो जी वापिस आ गए हम लोग किचन में वापस दिमाग खाने के लिए। तो अभी बाबा फिर से हम दिमाग खाएंगे और अभी ये जल्दी जल्दी फेंट रहे हैं थोड़ा सा। और अब बोल रहे हैं कि यार जब सारा मेडो यार दिख जाएगा ना, जब शशके होंगे शशके। बाबा मेरे से पूछते मतलब क्या शशके का ना, था मैंने बताया ये शोकिया। बाबा कहते नहीं खूबसूरती होता है, तो अच्छा खूबसूरती है ऐसे ही बात है। और ये इन्होंने मिर्च वगैरह की सारी चीजें डाल दी हैं। अब ये प्याज वगैरह सबसे पहले डालेंगे, अभी तो इसमें घी डालेंगे, फिर इसमें सारा प्याज डालेंगे, टमाटर डाल रहे हैं और ये मिर्च डाल रहे हैं हम लोग। और ये कशकश, ये काटे किसने मिजाब नहीं, तो आप लोग देख लो किसने काटे इसमें। और ये है प्याज माशाल्लाह। अब हमारा ऑमलेट भी जल्दी जल्दी, वैसे हमें खाने का ऑमलेट बाबा के ही हाथों का मजा आता है, वैसे तो हम लोग जब बनाए इतना मजे का नहीं करता, तो बाबा का ऑमलेट सबसे बेस्ट ऑमलेट। तो अभी मम्मा बाहर देख रही हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें सही तरह से तवे में हो जाएंगी ठीक। और ये बाहर मैं एक बार दिखा देती हूँ मोर आपको, टीवी लॉन्च वगैरह का। हाँ जी, तुला कैसा लग रहा है? अल्लाह ने फिर बोलता ही नहीं है। और ये आडू पाडू को देखो, मैं इसको बुला रही हूँ आगे, तो चीख रही है मैडम जी। सही बात है भाई, सही बात है। अच्छा क्या हो गया, क्या हुआ? अंदर हूँ। अच्छा क्या बोलना है, कैमरा की बंद कर दूँ? अरे कल मैं इसकी बात सुनूँ। और ये है मेरी मम्मा बाबा का रूम, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल ठीक कर दिया है, साफ सुथरा। ये इनका स्टोर है
माशाल्लाह से स्टोर और साथ ही बाथरूम भी अटैच है, तो जो दोनों कमरों में अपने अपने बाथरूम है। ठीक है गाइस, तो ये है बाबा मामा का बाथरूम जो भी अभी फुल गंदा पड़ा हुआ है, इसको भी क्लीन करेंगे। मतलब आज हमारा पहला दिन है ना इस घर में इस वजह से। और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी पेंट हुई है, बड़ी प्यारा प्यारा लग रहा है, सही लाइटें वगैरह। और यहाँ मस्त तो अलमारी खोल के बैठी हुई है, और अब मैं फिर से बाहर आ गई उनका दिमाग खाने के लिए। और ये पूरा टीवी लॉन में हमने सब कुछ लगा दिया है, सब कुछ मतलब जो भी माता का घड़ी वड़ी वगैरह सब और कुछ। यहाँ पे भी इन लोगों ने ना टमाटर प्याज वगैरह कर रहे हैं सही तरह, और अब अंडा डल रहा है। आइए कौन आइए, ये गंजो नहीं हमारी जान छोड़ती कभी भी। आइए मैं कहीं तुम्हारा ऑमलेट भी रेडी हो गया, और यहाँ एक पराठा रह गया ऑमलेट हमारा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह से बन चुका है, और यहाँ पराठे भी रेडी हो गए। अब्दुल्ला दस्तरखान लगाओ, अब्दुल्ला तुम जल्दी जल्दी दस्तरखान लगाओ। और यहाँ पे ये यह लोग अभी काम कर रहे हैं, इससे मैं पराठा बना लेती हूँ। ये मुझे शिफ्टिंग पे लग दी गई है, ये काम आप ही करो, फजूल ही है ये तो अल्लाह की कसम। आंटी यहाँ पर आ जाए, आंटी का बच्चा हमारे पास नहीं। अब ना पानी भी रखो, आराम से खोलो ना, जब नहीं खुल रही तुम आराम से खोलो करो। जब नाश्ते में मिलते हैं इंशाल्लाह। हमने नाश्ता रख दिया, लस्सी वगैरह सब कुछ, ऑमलेट वगैरह, अब हम नाश्ता करने लगे हैं। नए घर का पहला नाश्ता माशाल्लाह से। खाना अभी तक नहीं खाया ना? हाँ खाना नहीं खाया, रात को हमने बाहर से खाना खाया था, घर में बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो अब्दुल्ला कैसा लग रहा है पहले घर का नाश्ता घर में, इसकी आपकी जैसी है? अब तो तुम्हें तुम भी खा लो, अब तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो? चलो गाइस हम भी खाते हैं, हमें भी बहुत भूख लगी है भाई।